तो करते हैं खबरों की ओर दिल्ली नगर निगम में पिछले पंद्रह साल से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया है आम आदमी पार्टी ने यहां पर बहुमत से जीत दर्ज की है स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 250 सीटों वाले एमसीडी में आपको एक सीटें मिली तो बहुमत आठ ज्यादा है वहीं भाजपा को 104 कांग्रेस को नौ और तीन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है एमसीडी में आपकी जीत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है हमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद चाहिए दिल्ली को साफ करना है कूड़ा ठीक करना है करना है कि नहीं करना है इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी अकेले हमसे नहीं होगा दिल्ली के दो करोड़ अपना ये परिवार है ना मैं बार बार बोलता हूँ अपने दिल्ली के दो करोड़ लोगों का परिवार है दो करोड़ लोग हम सारे मिलके दिल्ली की सफाई करें अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था लूटपाट का लेंटर पे पैसे लेने का ये सब खत्म करना है अब अपने को जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता ऐसे अब नगर निगम को भी साफ करना है सारे हमारी तरफ देख रहे हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है